हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम लोकी सीजन वन के एपिसोड दो की कहानी बताएंगे। इस एपिसोड का नाम द वेरिएंट है। पिछले एपिसोड में हमने देखते हैं कि शरारतों का देवता लोकी अब समय रक्षकों के कब्जे में था। वहाँ पर मोबियस उसे एक भगोड़े को पकड़ने का काम सौंपता है। वो भगोड़ा लोकी का ही एक रूप होता है। पहले सीन में 1985 में ओशकोश नाम की जगह पर एक वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर इस समय रेखा में प्रवेश करता है। वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए 4 मिनट में पहुँचते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो धोखाधड़ी करने वाला वो शख्स उन पर हमला करता है। वो शख्स 3 लोगों को मारकर एक को अपने साथ ले जाता है। लोकी को टीवीए के मोबियस के द्वारा नौकरी पर रख लिया है। मोबियस लोकी को एक जैकेट देता है। 1985 में एस्कर्स के समय की शाश्वत रेखा के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वो सब वहाँ पर पहुँचकर जांच करते हैं। वहाँ पर छानबीन से पता चलता है 3 मिनटमैन की जान गई है और 1 मिनटमैन गायब है। यहाँ पर लोकी सबको बताता है कि जिसने ये जाल बिछा है वो तुम सभी को जान से मारना चाहता है। लोकी के बातों में आकर वो लोग काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि समय की शाश्वत रेखा लाल रेखा को छू लेती है। टीवीए का काम टाइमलाइन को सही करना है। ये काम लोकी को करना था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। इस बात से रेवोना मोबियस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। रेवोना मोबियस को बताती है कि लोकी हमेशा धोखा देता है, लेकिन मोबियस उसे बताता है कि फ्यूचर से आने वाला लोकी बहुत खतरनाक है। उसे रोकने के लिए इस समय का लोकी की ज़रूरत होगी। रेवना मोबियस को इस समय इस पर एक और मौका देती है। मोबियस लोकी के पास पहुंचता है। वो लोकी से पूछता है कि बुरे लोकी और तुम में क्या फ़र्क है। यहाँ पर लोकी कहता है कि वो ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट है और उसका दिमाग बुरे लोकी से तेज़ चलता है। इस बात पर मोबियस लोकी को बताता है कि वो कमज़ोर है और बुरा लोकी तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसे पकड़ ही नहीं सकते। मोबियस लोकी को पुराने केस की फाइलें देता है ताकि लोकी उसे पढ़कर अपनी रिसर्च की और भी बेहतर बना सके, ताकि बुरे लोकी को पकड़ने में उनका साथ दे। लोकी पढ़ने के लिए और फाइलें मांगता है तो उसे उसकी सारी फाइलें दी जाती है, जिसमें उसे एक फाइल मिलती है जिससे उसे एक क्लू मिलता है जो ओशकोश वाली घटना से मिलता है। वो ये सारी बातें मोबियस को बताता है। लोकी मोबियस को ऐसी जगह जाने को कहता है जहाँ पर असाधारण घटना घटी हो, जैसे कि भूकंप, सुनामी। वहाँ पर जाके कोई भी छुप सकता है और किसी को उसकी जानकारी नहीं मिल सकती। मोबियस और लोकी 79 AD में पोम्पे इटली में जाते हैं। उन दोनों के वहाँ पर आने से समय की शाश्वत रेखा में कोई बदलाव नहीं देखा गया। यहाँ पर लोकी की थियोरी सही साबित होती है। वहाँ से वापस आने के बाद मोबियस को याद आता है कि कुछ समय पहले वो फ्रांस के अंदर ऐसे ही समय रेखा के बदलाव वाले वेरिएंट पर पहुँचे थे। वहाँ पर उन्हें एक च्युइंगम मिली थी। वो च्युइंगम 1945 से 2080 के बीच में वो बेची जाती थी, वो भी पृथ्वी पर। मोबियस और लोकी 1950 से 2080 के बीच में जितनी भी असाधारण घटना, जैसे कि भूकंप, सुनामी आई हो, ऐसी घटना की फाइलें देखते हैं। तभी वहाँ पर लोकी की नज़र एक जगह मिलती है जो सन 2050 में हेवन हिल्स अलबामा में घटना हुई थी। इसी बात की जांच करने के लिए पूरी टीम अलबामा में जाने के लिए तैयार होती है। हंटर B-15 उन सभी को बताती है कि हमारा सामना होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वो अपना रूप बदलने की शक्ति रखता है और किसी को भी अपने वश में करने सकता है। वो सभी 2050 में रॉकस्कॉट स्टोर में जाते हैं। वहाँ पर जाकर हर कोई अलग अलग दिशा में उस वेरिएंट को ढूंढने की कोशिश करता है। उसी समय लोकी के सामने बुरा लोकी आ जाता है। लोकी उससे बातचीत शुरू करता है। बुरा लोकी एक के बाद एक अपना रूप बदलता रहता है। बुरा लोकी जब भी किसी मिनिटमैन को मारता था वहाँ पर उनका टाइम डिवाइस चुरा लेता था। अब बुरे लोकी के पास काफ़ी सारे टाइम डिवाइस थे। वो सारे डिवाइस एक ही समय पर चला देता है, जिससे समय की शाश्वत रेखा काफ़ी लोगों भागों में भी अलग अलग हो जाती है। अब बुरा लोकी अपनी पहचान दिखाता है, जो कि एक फीमेल लोकी होती है।
लोकी उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो ये बात जानना चाहता था कि मेल लोकी फीमेल लोकी में कैसे तब्दील हो गया। इस बात को जानने के लिए लोकी उस बुरे लोकी के पीछे चला जाता है। मोबियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो निकल चुके होते हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे के एपिसोड में क्या होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।